और आगे बढ़ते हैं अब खबरें अयोध्या से। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अयोध्या में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। अयोध्या एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक काफिले की रिहर्सल की गई। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी कल अयोध्या में रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक होने वाले पीएम मोदी के रोड शो की कुल दूरी 15 किलोमीटर होगी। पीएम मोदी का रोड शो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के गेट नंबर 1 से शुरू होगा और फिर लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेसवे होते हुए लता मंगेशकर चौक से गुजरेगा। इसके बाद धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएगा और फिर पीएम का रोड शो लता मंगेशकर चौक, धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ और रेलवे स्टेशन होते हुए फिर उसी रास्ते से वापस लौटेगा। यानी पीएम मोदी की वापसी भी रोड शो के रूप में होगी। कल अयोध्या में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो से पहले आज अयोध्या में फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। प्रधानमंत्री का काफिला बेशक कल आए लेकिन उसको लेकर ड्रेस रिहर्सल आज से ही चल रहा है। और ये देखिए जो सामने फ्लीट नजर आ रही है आपको गाड़ियों की, ये वो फ्लीट है जिसमें कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उसका ये रिहर्सल है। इसमें प्रधानमंत्री जिस जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजरेंगे उसको लेकर पूरी तरीके से कैसे सिक्योरिटी होगी, क्या अरेंजमेंट होगा, उसको लेके ये यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है। रामलला की मूर्ति के चयन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। सभी ट्रस्ट के सदस्यों ने कागज पर लिखकर अपनी अपनी पसंद बता दी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने कागज पर अपनी पसंद लिख दी है, तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। और टीवी 9 पर बोले हैं ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, हमने तीनों मूर्तियां देखी और साथ ही उन्होंने कहा कि मूर्ति इतनी सुंदर है कि फैसला ले पाना बहुत कठिन लग रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब इन तीनों मूर्तियों को लेकर सभी सदस्यों ने अपनी पसंद को एक पर्ची पर लिख दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर स्वामी परमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। दो राउंड में बैठक हुई, तीनों मूर्तियों का ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने अवलोकन भी किया, लेकिन क्या हुआ हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। मूर्ति देखकर आए आप एकदम भाव विभल हो गए? हाँ, भाव विभल हो गए। जो जो मूर्तियाँ देखी एक से एक विलक्षण हैं, जिनको देखकर हृदय गदगद है और बनाने वालों को भगवान ने कितना सोचने को मजबूर किया। ग्रंथ पढ़े हैं राम के समय का, कैसे थे, क्या थे, केवल प्रतिमा ही नहीं बहुत कुछ मेहनत करके बनाया। निर्धर है तीनों रामलला? हाँ, एक में स्थाई हैं एक आदमी और एक में चाहे लगा दो चाहे डालो, दोनों तरह से बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमानंद महाराज। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने हमें ये बताया कि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास उस बैठक में मौजूद नहीं थे। सबने अपनी अपनी राय दी है, अब जाकर अध्यक्ष से बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, उसके बाद आखिरी फैसला होगा कि रामलला की वो मूर्ति कौन सी होगी। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। और TV9 भारतवर्ष ने ट्रस्ट के दूसरे सदस्य स्वामी गोविंद देव गिरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पसंद बता दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रेजरर गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। दो राउंड में ट्रस्ट की बैठक भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति तीनों बनकर तैयार हो गई और आप लोगों ने अवलोकन भी किया, तो उस अवलोकन के बाद क्या भाव है आपका? वास्तव में आज की बैठक इस हेतु से हुई कि इन मूर्तियों में से चयन किया जाए। आज तक के सभी निर्णयों में एक निर्णय मुझे बड़ा कठिन लगा और जहाँ जहाँ हमने प्रवेश किया